पाली में हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच थैंक यू। एक मिनट आंटी जी एक मिनट थोड़ा पीछे आइए मेरे साथ निकालेंगे मैम काम दे मैम यहाँ देखिए रूपाली जी सर एक मिनट अभी आइए ना प्लीज एक मिनट बैठो और पीछे रुक जा सर जी थोड़ा साथ में आइए ना सर जी Okay, ma'am. Firstly, wishing you many happy returns of the day. Thank you so much. You have came here. So tell us something. You always come here in your birthday, or this is the first time? अभी पिछले दो साल से तो बर्थडे मना नहीं. लास्ट बर्थडे पे कोविड था. उसके पहले कोविड का लॉकडाउन था. तो आई थिंक दो साल बाद आज एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेशन है. सुबह शूट करके आई, 6 बजे गई थी और फिर शूट करके ख़त्म करके आई. इसका आज मराठी पेपर था तो आई हैड टू ड्रॉप हिम टू स्कूल. आपका बर्थडे का पार्टी होएगा मेरे एग्जाम्स के बाद ना? नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली बिकॉज बाकी सबके लिए समय निकाल लेते हैं. बाकी सबके लिए समय मिल जाता है, परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता. एंड ही मिसेस मी अ लॉट. मैम आपका जो किरदार अनुपमा, एज ऑल हाउस लेडी आर सीइंग दैट एंड गेटिंग एन इंस्पिरेशन. और हाल ही में आपने बहुत बड़ा, मैं शो की मैं बात करूं, बहुत बड़ा डिसीजन लिया अनुपमा ने. किस तरह से देखते हो डिसीजन मैम? यार आर राइटर्स आर फिनोमिनल. जो राजन शो बना रहे हैं वो कमाल का बना रहे हैं. और अगर विमेन आर गेटिंग इंस्पायर्ड, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को? ठीक है, एक कला का होता है कि मुझे अच्छा करना है ये वो, लेकिन जिस तरह से ये कैरेक्टर लिखा जा रहा है और जिस तरह से यू नो अनुपमा, मेरे को आज ही किसी ने बोला अभी मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण में कि अनुपमा इज़ नॉट अ शो, इट इज़ एन इमोशन. इससे ज़्यादा किसी भी एक्टर के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? और जो मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे राइटर्स ने, मेरे डायरेक्टर्स ने जो एक विजन किया है, अगर मैं उस पर खड़ी उतर रही हूँ, लोगों के दिलों तक पहुँच रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ओके, सो एज अनुपमा इज गेटिंग मैरिड फॉर द सेकंड टाइम, सो कैन वी सी सम टर्न एंड ट्विस्ट इन द मैरिज? आई हैव नो क्लू. मैंने पहले भी कहा है कि राजन अपने स्क्रिप्ट को ऐसे गार्ड करते हैं जैसे पता नहीं कौन सा कहाँ का एकदम बैंक का वो सोना जाता है ना, वैसे वाला. हमको कुछ नहीं पता होता, अगले एपिसोड तक का पता होता है. I hope, I am sure there is going to be a lot of twists and turns and a lot of interesting, you know, things to see in Anupama. But एक message है कि remarriage के बारे में, हर औरत को अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने का हक होता है. And I am glad that the fans, जो support लोगों से मिलता है Anupama को, मुझे, हमारे सारी मतलब पूरी team को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जिस तरह से आपने बताया रीमैरिज का, देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो चाहते हैं, जो अनुपमा को एज एन अनुपमा इंस्पायर दिखते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सेकेंड चांस मिले, उस तरह का प्यार आपको मिल रहा है. तो लास्टली मेरा लास्ट सवाल होगा कि जो फैंस आपको प्यार मिलता है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? फैंस का प्यार सर आँखों पर, मतलब हम तो मेहनत कर सकते हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स राइटर्स अच्छा लिख सकते हैं, उस पर मैं मेहनत कर सकती हूँ,
लेकिन किसी भी चीज़ को एक मुकाम तक पहुंचाना ये तो फैंस के हाथ में ही है। तो जो कुछ भी है ये सबका दिया हुआ, मैं तो आई एम जस्ट द फेस एंड भगवान की कृपा है और ये सब फैंस का प्यार है और बस राजन शाही का दिमाग ऐसे ही कमाल चलता रहा। और मेरी फैमिली के सैक्रिफाइसेस है, मेरा बच्चा मुझे मतलब रात को मेरा वेट करता है, मेरे हस्बैंड मेरा वेट करते हैं रात को खाना खाने के लिए। तो यू नो इट्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड जब ये फैंस प्यार देते हैं तो इट्स इट फील्स वर्थ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।